दोस्तों आप लोगों को एक बात पता है कि वीवो जो है वो जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च करता है उसमें कुछ ना कुछ यूनिक जरूर लॉन्च करता है, मतलब कुछ ना कुछ नया लेकर के आता है। वीवो ने अपना हाल ही में एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च किया दोस्तों, इसका नाम है वीवो X6। ये जो है वीवो S5 का सक्सेसर बनकर के आया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप वाकई में ये वीवो S5 का सक्सेसर है या नहीं है सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देना चाहूंगा जो मेन इंपोर्टेंट है, वो है ये स्मार्टफोन दोस्तों 5G स्मार्टफोन है। दैट मीन्स क्या है कि वीवो S5 का तो डेफिनेटली सक्सेसर है 5G है, क्योंकि वो 4G था और ये 5G है। बाकी दोस्तों स्पेसिफिकेशन के मामले में भी वाकई में ये सक्सेसर है या नहीं है, चलिए दोस्तों बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे बासम टेक चैनल पे। या फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं वीवो की जो डिजाइन है इस बार थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। यहाँ पे आपको बैक में जो कैमरे देखने को मिल रहे हैं वो 4 कैमरे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये बीच में देखने को मिल रहा है और ये स्क्वायर मोड में देखने को मिल रहा है, मतलब ये नोकिया जैसे देखने को मिल रहा है। नोकिया का एक स्मार्टफोन आया था उसमें भी दोस्तों इस टाइप के कैमरे देखने को मिले थे। OnePlus का 7T आया था वैसे ही दोस्तों इस बार वीवो के इस स्मार्टफोन में कैमरे देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों कलर की बात करूं दोस्तों यहाँ पे व्हाइट ब्लू शेड में आता है जो दिखने में काफी ज्यादा प्यारा भी लगता है। वही दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो नो डाउट दोस्तों आपको पता है कि जो वीवो के स्मार्टफोन होते हैं उनकी डिस्प्ले वाकई में बहुत अच्छी आती है। इस स्मार्टफोन में आपको 6.44 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी वीवो के स्मार्टफोन उनका एडवांटेज ये है कि डिस्प्ले का वो आते हैं वो सुपर एमुलेट डिस्प्ले के साथ आते हैं, और ये भी स्मार्टफोन आपको सुपर एमुलेट डिस्प्ले के साथ ही देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात आएगी सुपर एमुलेट डिस्प्ले की तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आप कह सकते हैं कि डिजाइन और डिस्प्ले काफी ज्यादा कमाल की है। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि आपने देखे थे बैक में जो यहाँ पे 4 कैमरे देखने को मिल रहे हैं राउंड वाले, तो इन्हीं कैमरे के ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ पे जो प्राइमरी सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। अगेन दूसरा कैमरा आपको देखने को मिल रहा है वो 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। तीसरा कैमरा आपको यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया। और लास्ट कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है वो भी आपको माइक्रो लेंस के लिए दिया गया है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बैक के कैमरे ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। वैसे दोस्तों इस टाइम पर 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा का इस टाइम पर मार्केट है, यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा कुछ थोड़ा सा जचा नहीं। लेकिन दोस्तों इसका फ्रंट कैमरा कमाल का है, इसमें आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। ये दोस्तों सेल्फी आपको नॉच के साथ मिली जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था। वैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर से पूछना चाहूंगा कि पहला ऐसा कौन सा स्मार्टफोन था वीवो का जो पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ आया था, वहां पे आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिली थी। मैं देखना चाहूंगा दोस्तों कितने ऐसे व्यूअर हैं कंटिन्यू जो वीडियो देखते हैं, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट में जरूर से बता देना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो ऑल पे क्लिक करो ताकि हमारे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रैम वेरिएंट की बात करो दोस्तों तो आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, वही इसका टॉप मॉडल 8GB 256GB स्टोरेज के साथ आएगा। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस स्मार्टफोन में आपको कुछ यूनिक देखने को मिला था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बताने से पहले दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए। जब फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ इसके परफॉर्मेंस की, इसमें आपको जो देखने को मिलेगा वो एक्सिनोस का ऑक्टा कोर वाला 980 वाला चिपसेट आपको देखने को मिलेगा, मतलब 980 चिपसेट आपको देखने को मिलेगा एक्सिनोस का, वो भी दोस्तों ये पहली बार वीवो के स्मार्टफोन में आ रहा है। और दोस्तों ये पर्सनली 5G को सपोर्ट करता है तभी दोस्तों ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है। वैसे दोस्तों अगर मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे एक्सिनोस के प्रोसेसर बहुत ज्यादा पसंद नहीं आते हैं, मैं पर्सनली पसंद करता हूँ स्नैपड्रैगन के। बाकी दोस्तों आपको कौन से प्रोसेसर अच्छे लगते हैं अपनी राय में कमेंट में बता सकते हैं। चलो दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में, क्योंकि आपको पता है 6.44 इंच की एमुलेट डिस्प्ले है तो बैटरी तो ऑब्वियसली ज्यादा कंज्यूम होगी, तो उसको देखते हुए यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, मतलब आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और ये दोस्तों 18 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। यहाँ पे आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे 3.5 ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है।
लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ये 18 वोल्ट का चार्जर दिया गया है, नाम के लिए फास्ट चार्जर है लेकिन वाकई में फास्ट नहीं है, क्योंकि Vivo S5 जो आया था वहां पे आपको 22 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिला था और यहाँ पे आपको 18 वोल्ट का मिल रहा है। नाम के लिए दोस्तों ये Vivo S5 का अपग्रेड माना गया है। लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस। डियर फ्रेंड्स, प्राइस जब तक हमें नहीं पता होगी तब तक हम फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि फोन वाकई में अच्छा है या नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों बेस वेरिएंट 8GB 128GB वाली कीमत रखी है वो 28,700 रुपीज रखी है, मतलब 28,700 रुपए रखी गई है। वही दोस्तों बात करें इसके टॉप मॉडल की 8GB 256GB वाले की, वो 31,900 रखी गई है, मतलब आप कह सकते हैं 31,900 रुपए रखी गई है। दोस्तों मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है और इसकी प्राइस बहुत कम है, लेकिन दोस्तों इस प्राइस से भी दोस्तों कम इसकी प्राइस हो सकती थी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस नहीं दी गई है तो प्राइस थोड़ी सी कम हो सकती थी। चलो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको Vivo S6 की सारी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन दोस्तों जाने से पहले अगर मैं आपको अपने ओपिनियन बताना चाहूं इस स्मार्टफोन के लिए, तो दोस्तों मैं पर्सनली इस स्मार्टफोन को पसंद नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें नहीं है जितनी इसकी प्राइस है। वैसे दोस्तों एक और 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, वो दोस्तों लॉन्च किया गया ऑनर की तरफ से, इसका नाम है ऑनर 30S। उस पर हमने दोस्तों एक वीडियो बनाई है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट में पिन कर दूंगा, जाकर के उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, और वो भी दोस्तों 5G स्मार्टफोन है और इससे कम प्राइस में है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक दीजिए बड़ा सा, और हाँ दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऑल पे क्लिक करना ताकि हमारे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।